पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री साहब का, माननीय अमित शाह साहब का, प्रधानमंत्री साहब जो मेरे हीरो हैं उनका भरोसा कभी तोड़ूंगा नहीं, और जो विश्वास जताया है मैं मेहनत करूंगा ताकि एंड ऑफ द डे मुझे शाबाश मिले। क्या लगता है इस बार पूरा समर्थन मिलेगा जनता से? अरे 100%। अच्छा एक सवाल यह है कि कांग्रेस ने भी उतारे हैं राजेश जी लोहिया को, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी गगन सिंह को उतार गया, क्या कड़ी टक्कर रहेगी? हर पार्टी ने उतारना है, हम तो बहुत मजबूत हैं। आपको पता है बीजेपी का क्या अंधेरी चल रही है, बीजेपी के नाम की और मोदी साहब के नाम की। अच्छा एक सवाल और कि क्या रणनीति रहेगी सर इस बार चुनाव? रणनीति यही है विकास, सबका साथ सबका विकास। जैसे जैसे 5 साल हमने सोचा है सोशल जस्टिस, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और जो जो सोशल सिक्योरिटी दी जाए गरीब को, रहने को छत, खाने को रोटी मिले, लाइट जगे, ठीक है, बेटियों की इज्जत और सब जिंदगी महफूज हो। एक आखिरी सवाल, कुछ सूफी आप सिंगर हैं, सूफी अंदाज में कुछ बीजेपी के लिए बताएं। खेतों में धान आया ओ, खेतों में धान आया, मुल्क चलाने को एक नेक इंसान आया, मुल्क चलाने, मुल्क को उठाने को मोदी नेक इंसान आया, मुल्क चलाने को। इसलिए बोलूँगा दिल मोदी मोदी बोलता, दिल मोदी मोदी बोल, दिल मोदी मोदी बोल।